हेमा कमिंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हाँ बढ़िया हूँ। और नीदित कैसी आई रात को? बहुत बढ़िया आई भाई। ये देखो आज अखबार भी पढ़ रहे हैं हम। अगर तुम्हारे अंकल की जान पहचान ना होती ना तो ये लग्जरी वीआईपी गेस्ट रूम हमें कहाँ मिलता? हमारे नसीब में नहीं है भाई ये सब कुछ। हमारी तरफ से राम राम कह देना उन्हें। बिल्कुल, उन्होंने आज रात डिनर के लिए भी बुलाया हमें। ओहो गुड। कर क्या रहे थे तुम? यार हेमा मैं सोच रहा था कि पहले झारखंड और अब ये बिहार, साक्षरता की स्टडी में मुझे भी अब मजा आने लगा है। शुक्र है अमित। मुझे भी महसूस हो रहा है कि साक्षरता अभियान से ना केवल समाज बल्कि पूरे देश की तस्वीर बदल रही है। वो कैसे? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता अमित। साक्षरता अभियान से ना केवल लोगों ने पढ़ना लिखना सीखा है बल्कि उनमें सामाजिक जागरूकता भी पैदा हुई है, जैसे कि तुम में पैदा हुई है। और वो सिर्फ अपने हित की बात ना सोचकर पूरे देश में बदलाव को ज्यादा महत्व देते हैं। हाँ अमित, जिसमें महिलाओं ने ज्यादा बढ़ चढ़ कर काम किया है। यार ये तुम सिर्फ महिलाओं पर ही इतना जोर क्यों देती हो? क्योंकि अमित, एक औरत का साक्षर होने का मतलब है पूरे परिवार का शिक्षित होना। लेकिन इस आंदोलन की पहल में मर्दों का भी तो बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से कि इस आंदोलन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये आंदोलन अकेली औरतों से आगे नहीं बढ़ पाता, बहुत कठिनाइयां पेश आती और शायद आने वाले वक्त में यहाँ के हालात बदले। और बाकी हालात का पता तो हम यहाँ के साक्षरता अभियान से जुड़े हुए लोगों से भी पता कर सकते हैं। और वैसे भी आज हम मंझोल की रुक्मणी देवी से मिलने जा रहे हैं, अब चलें? चलो चलो चलो। रुक्मणी जी। नमस्कार हेमा। आइए आइए। अरे कुर्सी लेकर। नहीं, रुक्मणी जी कुर्सी नहीं, यहीं पर बैठेंगे ना आप लोगों के साथ। कैसा हाल है? बढ़िया, आप कैसे हैं? ठीक से हैं। हाँ रुक्मणी जी, हम बहुत सी औरतों से मिले जो साक्षरता अभियान से जुड़ी हैं। उनका घर ढूंढने में हमें इतनी मुश्किलें हुई, लेकिन आपका घर हमें बहुत आसानी से मिल गया। आपसे हमें बहुत सारी बातें करनी है। तो अभी आप क्या कर रही हैं साक्षरता अभियान में? अभी साक्षरता अभियान में हम प्रखंड सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। पूरे ब्लॉक 35 पंचायत का ब्लॉक है, पूरे बिहार में एक नंबर का ब्लॉक है। इतना बड़ा ब्लॉक कोई भी ब्लॉक नहीं है। तो आप ही संभाल रही हूँ? जी अभी तो ही मैं देख रही हूँ पूरा साक्षरता अभियान। क्या करते हैं उसमें आप? उसमें है कि जो उसमें पढ़ाई, पहले तो निरक्षरों के बीच जा करके उसको केंद्र खुलवाना, उसको पढ़ाई के बारे में जानकारी देना, उसको पढ़ाई से परेशानी जो हो रही है उसके बारे में जानकारी देना और उसको पढ़ने की ओर आकर्षित करना, जागरूक करना। अच्छा। उसके बाद महिला संगठन, हम लोग महिला आगे बढ़े, हमारी महिला इतनी दबी कुचली है या महिलाओं के साथ बलात्कार होता है या उसके साथ शोषण अत्याचार होता है तो उससे उसको मुक्ति कैसे मिले, इसके लिए उसके यहाँ जा जाकर नाटक करने लगे ना, मतलब बात नुक्कड़, नुक्कड़ नाटक। जी अरे वाह। जब मैं शुरू में यहाँ आई थी, शादी पहले मैं साक्षरता में जुड़ी थी, जब यहाँ आए तो मैं चिट्ठी भेजी अपने सास के नाम से कि हम इस तरह का साक्षरता में काम है, गांव गांव जाना है, करें कि नहीं करें। तो इनके तरफ से हुआ कि जब आप गाँव गाँव में काम कर ही रहे तो नहीं छोड़ना है, सामाजिक काम है, कीजिए, आगे बढ़िए, अपने समाज को भी कुछ कीजिए। जब और गांव-गांव में जाने की जिम्मेदारी बढ़ी, जब तीन पंचायत का जिम्मेदारी मिला कि महिला कोर ग्रुप में तुमको गांव-गांव में जाके महिलाओं को जागरूक करना है, लोग हमारी जिम्मेदारी को देखे। तो आपने इतनी सारी पढ़ाई लिखाई की, तो क्या पढ़ाई लिखाई के बिना भी समाज सेवा नहीं हो सकती थी? हो सकता था, लेकिन जैसे हम लोग जीवनी पढ़ते थे तो थोड़ा ध्यान रहता था। जैसे अभी भी गौतम बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का पढ़े हैं तो देखे हैं कि पढ़ाई और जिसका जिस सामाजिक काम की ओर दिमाग बदल जाता है तो उस समय उसमें ज्यादा लोग लक्ष्य समझ लेता है और पढ़ाई को उतना लक्ष्य नहीं। वही हो गया मेरे साथ कि हम जब साक्षरता में जुड़े तो पूरा मेरा दिमाग साक्षरता की तरफ बढ़ गया
और पूरा जो शिक्षा प्रेमी था कि अपने तो शिक्षा ले रहे दूसरे को भी दे, अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया कि पहले हमको अपना जिंदगी बनाना है उसके बाद सामाजिक काम करना है। तो चलिए अभी आपको हम अपना जिस विद्यालय से पढ़ाई प्रारंभ किए थे वो आपको दिखाएंगे कि हम कैसे पढ़ते थे, कैसे रहते थे, कैसे खेलते थे स्कूल में। हाँ यही स्कूल मेरा है जिसमें हाँ अभी प्रार्थना हो रही है। आदरणीय हेड मैडम और हमारे तमाम शिक्षक गण, अभी आपको मैं जानकारी दूं कि जब मैं प्रथम क्लास शुरू की थी पढ़ाई का तो यही मेरा प्राथमिक विद्यालय था जिसमें मैं सबसे प्रथम चरण में पढ़ाई का शुरू की थी। पहले तो कहा जाए कि बच्चों का प्रथम विद्यालय घर होता है, जो माँ होती हैं, तो घर का भी मैं परसों इनसे बातचीत कराई हूँ और घर में भी ये जा करके हमारे प्रथम विद्यालय को देखे। और द्वितीय विद्यालय जो कहा जाए कि यो विद्यालय होता है, तो विद्यालय जहाँ से मैं यहाँ पढ़ाई शुरू की थी उस विद्यालय में अभी मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर रही हूँ। यहाँ पर मैं 5 क्लास तक पढ़ी थी, उस समय प्राथमिक विद्यालय था और इस विद्यालय में अपना भवन था, मिट्टी का भवन था, खपड़े का भवन था, हम लोग नीचे बैठते थे, सर लोग भी थे, सब लोग बच्चे को साथ पढ़ाते थे मिलजुल करके और हम लोगों को सलाह देते थे कि ऐसे पढ़ो तो ऐसे बढ़ेगी, ऐसे पढ़ो तो ऐसे बढ़ेगी, और उनके डायरेक्शन से हम उनके निर्देश को पालन करते थे और उस मार्ग पर चले तो आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो 5 तक यहाँ पढ़े थे, 6th क्लास नहीं था इस विद्यालय में। तो हम रामदीरी बगल में मध्य विद्यालय था उसमें नामांकन हमारे पिताजी करवा दिए, लेकिन फिर यहाँ पर जब सर कई सर आए तब यहाँ पर 6th क्लास का पढ़ाई शुरू कर दिए। तो रामदीरी से फिर मैं वापस इस विद्यालय में आ गई और इस विद्यालय में 6th में पढ़ना शुरू की। उसी बीच में हमारे जय नारायण सर जो थे वो बहुत प्रेस करके हमें नवोदय का फॉर्म भरवाए जिसमें कि मैं नवोदय में कम्पीट कर गई। साक्षरता आंदोलन में अभी मैं काम कर रही हूँ, साक्षरता आंदोलन के जिला कार्यकारिणी तक के सदस्य मैं पहुँच चुकी हूँ अपने जिला तक, और बाहर भी जब जब स्टेट लेवल का किसी तरह का काम होता है तो जाना पड़ता है। तो इसके लिए रात दिन मेहनत भी करना पड़ता है और करना दिमागी तौर से और शारीरिक तौर से। तो तुम लोगों से हमें कहने का उद्देश्य है कि इस तरह से तुम लोग भी मेहनत करो और आगे बढ़ो ताकि जिस क्षेत्र को पकड़ो उस क्षेत्र में अपने समाज के लिए अपने लिए कुछ काम करो और उससे हमारे समाज का, हमारे गाँव का नाम रोशन हो, हमारे परिवार का नाम रोशन हो। सजाना तुम मेरी गली में खुशी खोजते अगर कभी जो आना तुम, भूखी रतिया और बटन सर जो कालो गिरा धरती कोई मत ख्वाबी सजाना तुम। अब आज आपके बीच हमारे संगठन के कई तरह के इस माह में जो कार्यक्रम है इसकी जानकारी आपको दिया जाएगा और इसके साथ साथ आपको अपने कार्यक्रम को लागू करना है और अपने कार्यक्रम को तेज करना है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आपको अपने प्रखंड में जो 106 सतत शिक्षा केंद्र हैं, तमाम सतत शिक्षा केंद्रों को व्यवस्थित करना और 5 तरह के गतिविधि जो है उन पर चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा और आप लोगों को शिरकत करने की आवश्यकता है और थोड़ा सा बेहतर बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आपसे हमें कहना है PIR का कार्यक्रम जो हम चला रहे हैं अभी अपने ज़िला में, उसके दूसरे चरण के कार्यक्रम को हमको सफल करने के लिए अभी जो आपको कहा गया है उसको नियमित ढंग से संचालन करें और वहाँ पर जो आपको उसमें बताना है कि कई तरह के गतिविधि पढ़ाई के साथ साथ आपको विकास अन्य तरह के कार्यक्रम की स्वास्थ्य की जानकारी देना है। वर्तमान में सतत शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस सतत शिक्षा कार्यक्रम में हम एक नोडल प्रेरक के रूप में एक नोडल की जिम्मेवारी का निर्वाह कर रहा हूं। दूसरा प्रखंड प्रशिक्षण
प्रभारी के रूप में काम कर रहा हूँ। ये मेरी अभी वर्तमान भूमिका है। हम 1994 में जुड़े हैं और तब से आज तक 2007 तक कंटिन्यू हम साक्षरता के काम में लगे हुए हैं। शुरू में हम TLC यानी संपूर्ण साक्षरता के काम को देखते थे, इसके बाद हम फिर उत्तर साक्षरता के काम को देख रहे हैं और फिर हम सतत शिक्षा कार्यक्रम में भी कार्यरत। एक बहुत अच्छी बहुत स्वभाव की बहुत अच्छी महिला है। सर्वप्रथम हमारी मुलाकात जिस समय हम संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम चला रहे थे उस समय हम पशपुरा गांव में VT के रूप में उनको चयनित किए गए थे और उनकी जो प्रतिभा थी एक VT ट्रेनिंग में जो उनकी उभार आई और उस उभार में जो उस उनमें जो क्वालिफिकेशन था और उनकी जो कार्य करने की सामाजिक कार्य करने की जो रुचि थी उसको देखते हुए आज के तारीख में वो एक प्रखंड सेक्रेटरी माने प्रखंड साक्षरता समिति के आज सचिव के रूप में है। मुझे फख्र है कि मेरे नेतृत्व में मैंने उन्हें निकाला घर से और मैं उन्हीं के अंडर काम कर रहा हूँ। ये मेरे लिए खुशी की बात है। जो हमारी या उनकी जो व्यवहार है कार्य करने की जो कुशलता उनमें है वो एक सिंपल आज भी हमें वो शिष्टाचार से ही बात करती है और हम उनमें कोई फर्क नहीं रहता है कि मान लीजिए वो सेक्रेटरी है या हम सेक्रेटरी है। तो एक इस तरह की जो सिंपल वातावरण है कभी वो अपने आप को महसूस होने नहीं दी मेरे सामने कि हम सेक्रेटरी हैं। एक काम करने की जो पद्धति है उनमें उनकी शैली है, काम वही करते हैं जो तमाम लोग जो करते हैं, लेकिन काम करने में जो हमारी उनकी बोल चाल होती है या बैठक में जो अहमियत दी जाती है उस तरह की जो अहमियत उनसे जो प्राप्त होता है मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि ये हमसे सीनियर हो गई। और जो काम करने में जो एक जो बंधा रहता है एक दूसरे से बराबर परामर्श के माध्यम से जो हम लोग काम करते हैं वो बराबर हमसे परामर्श लेती रहती है कि अब क्या करना चाहिए अब क्या होगा। तो इसमें हमको थोड़ा सा महसूस कभी नहीं होता है कि ये हमारी सेक्रेटरी है। मेरे घर पर एक शिक्षक सब दिन मेरे पिताजी रखते थे, पढ़ाने के बच्चों को पढ़ाई के लिए एक शिक्षक रहता था, तो वो हमको घर पर ही तैयारी करवाते थे अपने ढंग से और हमारे हेड सर जी अपना तैयारी अपने कोचिंग में करवाते थे। तो उनका हर समय प्रेस रहता था कि यहाँ कोचिंग में हम हर तरह के गाइड से तैयारी करवाते हैं और तुम तो घर पर एक जैसा गाइड से करेगी, तुम यहाँ कोचिंग में भी पढ़ने आया करो। तो मैं अपने पिताजी से प्रेस करने लगी, लेकिन वो थोड़ा बिशनपुर दूर पड़ता था तो मेरे पिताजी पहले तो नहीं इससे उतना दूर क्या जाएगी सर घर पर है ये है, तो उतना दिन नहीं गए। जब एक महीना तैयारी का बचा तब इनसे हम आग्रह किए कि नहीं हम आप उधर से स्कूल लौटिएगा रात में 9 बजे तो हमको लेते आइएगा, हम पढ़ने के लिए जाएंगे। इससे पहले आपने नवोदय स्कूल कभी देखा था? नहीं, पहले हम देखे नहीं थे, खाली वही पढ़ाई लिखाई हम जो सुनते थे वही देखे नहीं थे। उस समय बेगूसराय में भी नवोदय विद्यालय बना हुआ नहीं था, एक सरकारी विद्यालय जो था बेसिक स्कूल उसमें नवोदय विद्यालय चलता था, हम लोग 3rd बैच में नवोदय था। तो जब आपके उसमें एडमिशन हुआ तो कैसा लगा आपको? हमको पिताजी लेकर जब विद्यालय गए वहाँ पहुँचा दिए, पूरा विद्यालय से जितना सामान मिलता था रजाय तोशक थाली गिलास चम्मच जो किताब वगैरह सब कुछ हमको इशू करवा दिए, हमको बिछावन लगा दिए, पेटी का ताला खरीद के ला दिए और ताला लगा दिए और तब बोले क्या अब हम चलते हैं, माह में जो प्रथम सप्ताह रविवार होगा तो उसी दिन मिलने का तिथि रहता है, इस विद्यालय का नियम है उसी दिन फिर मिलने हम आएंगे या माँ आएगी, उसके अलावा बीच में हम भेंट करने नहीं आ सकते हैं, विद्यालय का नियम है। जब ये चलने लगे तब हमको लग रहा था कि अब तो मेरे पिताजी चले जाएंगे, उस समय हम खूब रोने लगे, इनके साइकिल से हमको पहुँचाने गए थे, हम साइकिल में लटक गए थे और खूब रोने लगे थे कि नहीं हम अब इस विद्यालय में नहीं रहेंगे। हम गांव के स्कूल के बच्चा थे उस समय डर रहे थे थोड़ा सा, तो हम लोग का दोस्त नहीं बनाए, हम अपने किताब का दोस्त खोजे, हम दिन रात अपना जो किताब विद्यालय से मिला था उसको हम पढ़ते रहते थे, 12 बजे 1 बजे रात तक हम पढ़ते ही रह जाते थे। उस समय जब पढ़ते रहते थे तो टेस्ट लिया गया, पहला बार टेस्ट लिया गया तो मेरा प्रथम स्थान आया हिंदी में और इंग्लिश हमको उतना नहीं आता था, हम इंग्लिश ऐसे रोते थे कि हम तो इंग्लिश कभी पढ़े नहीं हैं और इस विद्यालय में सब कुछ अब इंग्लिश में पढ़ाई होगा, इसके चलते हम ज़्यादा रोते थे।
लेकिन हमको मैडम एक दोस्त चयन कर दी कि ये दोस्त तुम्हारी होगी, तुम इसको हिंदी गणित बताएगी और ये तुमको इंग्लिश बताएगी। तो हम अपने दोस्त के साथ एडजस्ट करने कम किए और इंग्लिश में थोड़ा सीखना शुरू किया और ज़्यादा प्रयास मेहनत करने लगे। देर रात हो जाती थी, 12 बज जाता था पढ़ते पढ़ते, तो मैडम उधर कहते बिटिया रानी अब सो जाओ, अब लेट हो गया, 12 बजे के बाद लेट नहीं पढ़ना चाहिए, फिर तुमको 3 बजे हम उठा देंगे। सुबह में पीटी होता था तो पीटी समय फील्ड में, और इस टाइम अब जैसे सब विद्यार्थी प्रेयर करने के बाद अपने अपने रूम में घुसेंगे तो 9 बजे रात तक खाना के लिए ही निकलते, 9 बजे रात तक स्वाध्याय। आपका कौन सा बैड इसमें से ऊपर में आपके रहते हैं नीचे वाले? हम नीचे वाले बैठे हैं। और आपके दोस्त? दोस्त तो कई थी, बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर नहीं था, आसपास होता ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे अगर बोल रही थी, यहाँ थी किसकी लता नाम की थी लड़की। हो पूजा के खिल रहे कमल गर, हम भव जल में हो, सर्वोदय के नव बसंत। हम संगठन में जुड़े, अपना पढ़ाने से हमको लगाव था, काम करने लगे। जब जिला भर की प्रखंड भर की जिम्मेवारी मिली, जब जिला हमारे रामप्रीत शर्मा जिसके बारे में आपको बताए, वो जब हमारे काम को देखे तो नोडल ये बीटीएफ 3 पंचायत का जिम्मेवारी दिए, उसके बाद 13 पंचायत का जिम्मेवारी दिए, उसके बाद इस 28 पंचायत उस समय मेरा बेगूसराय ब्लॉक में था, प्रखंड सचिव के रूप में हमको जब वो चयनित किया। लेकिन मने मन हम लोग को बताते नहीं थे किसको कौन जिम्मेवारी दिया जाएगा, और जिला के मीटिंग में बुलाए हमको कि जिला के मीटिंग में आना है। और जब जिला के मीटिंग में मैं गई और जिला सचिव जब ये प्रस्ताव रखे जिला के मीटिंग में कि रुक्मिणी को बेगूसराय ब्लॉक का सचिव बनाया जाता है, आज से सचिव की जिम्मेवारी दिया जाता है, लोगों को ऊंचा पद देखकर खुशी होता है, हमको तो नाराजी हो गया था। हम कितना जिला केंद्र के ऊपर रोने लगे थे कि भाई हमसे ये जिम्मेवारी, हम ऐसे स्वतंत्र होकर काम करेंगे, जिम्मेवारी लेके काम नहीं करेंगे। तो इसी बीच में हमारे बिचौलिया लोग जो कहा जाता है कि इसको संगठन से किसी हटाया जाए तोड़ा जाए लोगों को, वो हमको परेशान करना शुरू कर दिए। परेशान इस रूप में किए कि पहले तो हो गया महिला और पुरुष बाद उठा दिए कि महिला क्यों प्रखंड सचिव बनेगी, पुरुष क्यों नहीं प्रखंड सचिव बनेगा। तो इस विषय पर कुछ संगठन में भी लोग जो संगठन विरोधी थे वो करने लगे, और संगठन के अलग के लोग जो देखते थे कि जहाँ जाती है यहाँ संगठन बन जाता है, कि संगठन इसको कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए हमारे हस्बैंड तक को चिट्ठी भेजना शुरू कर दिए कि तो ऐसे छोड़ेगी नहीं, इसको प्रताड़ित करने पर भी तो इसके घर से ही इसको काम तोड़वाया जाए, हटवाया जाए। हमारे हस्बैंड को पत्र भेजना शुरू किया कि आपकी पत्नी जो है वो आपकी अब नहीं रह गई, वो गांव-गांव जाती है, नाच गान करती है, दूसरे लोगों के साथ जाती है, दूसरे लोगों के साथ रहती है, खाती है, घूमती फिरती, इस तरह से पत्र। उसी बीच हमारे हस्बैंड जब हमारे ऑफिस पहुँचे तो हमको लग गया कि भाई क्या बात है, कोई अचानक अगर पहुँचे, उसमें भी उस समय नया शादी हुआ ही था, और जब वो आते तो हमारा घर से ही ऑफिस लौटते थे, हम लोग आने भी लगते तो उनको कहते चलिए थोड़ा सा मेरा ऑफिस देख लीजिए, तो कहते थे जाइए आपका ऑफिस है और आप जानिए, हमको ऑफिस में क्या करेंगे जाके। तो उस समय हमको मथा ठनक गया कि भाई वो ऐसे ऑफिस तो जाते नहीं थे और आज सफर के ऑफिस क्यों आए, पूछे और आए, सिर्फ बोले कार्यक्रम नहीं खत्म हुआ, हम बोले हाँ अब खत्म है, तो घर नहीं चलना है क्या, हम बोले हाँ घर चलना है, चल तो तुम्हारा हेड कौन है उनसे हमको भेंट कराइए, थोड़ा गुस्से में बोले। तब हमको और लगा, हम पूछने लगे क्या बात है, हमारे हेड को आप खोज रहे हैं, सचिव को खोज रहे हैं, संयोग था उस समय हमारे जिला सचिव ऑफिस में ही थे। तब हम उनको बुलाए, जब उनको बुलाए तब उनको वो चिट्ठी दिखाए कि देखिए ये पत्र हमारे यहाँ गया है, इसमें कौन ऐसा लिखने वाला है, हमको तो रुक्मिणी पर विश्वास है कि रुक्मिणी मेरी गलत नहीं है, हमको इसके बारे में सब शादी से पहले हमको पूरा आइडिया पता है कि ये किस विचारधारा की है, लेकिन आपके जो
ये लिखने वाला है हमको उसका सिर्फ पता होना चाहिए कि हमारी चिंता उसको क्यों है, रुक्मिणी हमारी है और चिंता उसको इतना ज्यादा क्यों है जो हमको पत्र से हमको उत्प्रेरित कर रहा है कि अपनी पत्नी को घर वापस करो। हम तो वहीं रोना शुरू कर दे, बापे कौन संगठन में पड़ गया, आज तक हमको इस तरह का कुवचन कभी सुनने को नहीं आया था और आज हम इस कौन सा काम में पड़ गए जो हमको इतना बड़ा कलंक। हम खूब रोना शुरू, घर भी गए तो रोना 15 दिन तक मैं ऑफिस का काम पूरा छोड़ दी थी। हम कहती थी एकदम अब हम नहीं करेंगे ही नहीं, लेकिन जिला के लोग छोड़े कहाँ से हमको, वहाँ घर जा करके जो महिला हमारी थी कुंदन दी शांति दी वहाँ जा जा करके समझाते रहती थी, अरे काम करने वाले को इसी तरह परेशान किया जाता है, तुमको तो इस संगठन में परेशान, हम लोग को तो कॉलेज में परेशान करता था लड़का, चिट्ठी लिख बिक देता था, कुछ कर देता था, ये सब तुमको मौका नहीं मिला है और इस संगठन को दबाने के चलते परेशान कर, तुमको पहले दुश्मन को मुंह में कालिख लगाना है, तुमको अब और सचिव बन के आगे बढ़ के काम करना है ताकि वैसे लोग दब जाए। फिर हम लोग 10-15 दिन तो रहे, फिर छुप दू, उसी बीच में 3 पत्र गया, फिर दूसरा पत्र गया हमारे हस्बैंड को, उसमें भी इसी तरह का बात था, इधर उधर करती है तो उस पत्र को लेकर नहीं हमारे हस्बैंड आए। तीसरा पत्र जब गया तो उसमें लिखा हुआ था कि आप अपनी पत्नी को इस संगठन से अलग करें नहीं तो आपको जहां देखेंगे गोली मार देंगे। जब इस तरह का धमकी था तब वो हमारे हस्बैंड पत्र लेकर आए और वो बोले ठीक है अब हम अपने लिए कफन खरीद के रखते हैं और तुम संगठन में आगे बढ़कर जितना हो काम करो, मेरे तरफ से अब कोई अथी नहीं, जो हमको मारेगा गोली उसके लिए हम तैयार हैं। तब मैं पूरा खुल करके इस संगठन में अपने को झोंक दी, जिसके वजह से मेरा पढ़ाई चला गया। मैं संगठन को 1 नंबर मानी और पढ़ाई को 2 नंबर मानी। हम उतने बड़े परिवार के तो हैं नहीं, समान परिवार के हैं, अपना जो है कि खेती बाड़ी और बिजनेस से कुछ पैसे हो जाते हैं तो अपना परिवार चला लेते हैं समान ढंग से। गुड इवनिंग अमित, क्या बात है अमित, किन ख्यालों में डूबे हो, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं है माँ, बस इन महिलाओं के बारे में सोच रहा था। झारखंड की ये अपनी शीला टुंडू, तेतरी देवी, कुंती देवी, वृंदा देवी, हकीमन भी, और अब ये रुक्मिणी देवी। तो वही है माँ, मुझे लगता है कि इस उम्र में भी इन औरतों का कमाल का जज्बा है पढ़ने लिखने का। अमित, पढ़ने और लिखने की कोई उम्र नहीं होती, और वैसे भी ये औरतें सदियों से दबे हुए समाज से बाहर निकली हैं और उन्हें आज वो मौका मिला है कि वो कुछ कर दिखाएं, और ये औरतें उस मौके को खोना नहीं चाहेंगी। लेकिन रुक्मिणी देवी ने तो साक्षरता अभियान के मायने ही बदल दिए हैं, वो इसे एक सामाजिक आंदोलन के रूप में देखती है। तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है अमित, तुम्हारा सोचने का नजरिया बदल रहा है। और रही बात रुक्मिणी जैसी औरतों की, तो ये बदलाव समाज के हित के लिए बेहद जरूरी है। बेगूसराय जो कभी अपराध और अराजक तत्वों का गढ़ माना जाता था, आज उसके अपराध ग्राफ में भी कमी आई। हाँ, और पहले की अपेक्षा यहाँ की औरतें आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत हुई हैं, और उनके रहन सहन के तौर तरीकों में भी एक नई क्रांति देखने को मिली है। बिल्कुल ठीक, और आजकल ये लोग आधुनिक तरीकों से भी रूबरू हो रहे हैं, खासकर खेती करने के। देखा नहीं था आज कितने ट्रैक्टर चल रहे थे, जो लोग आधुनिक तरीकों से खेती करके अपने फसल की पैदावार को भी बढ़ा रहे हैं। और ये तो कहा भी गया है कि किसी समाज के विकास का अंदाज वहाँ की औरतों की साक्षरता के दर से लगाया जा सकता है, जो देश के विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। तो मेरी बात समझ रहे हो अमित, लेकिन समाज को साक्षर बनाना इतना आसान काम नहीं है। लोगों को प्रेरित करना, उन्हें समझाना, ये इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत का काम है, और रुक्मिणी जैसी कई औरतें इसे सफल भी बना रही हैं। भाई कमाल की काबिलियत है इन औरतों में, और जिस समाज की रहनुमाई ऐसी औरतों के हाथ में हो, उस समाज को तरक्की करने से कोई वंचित नहीं रख सकता। सैल्यूट करने को दिल करता है इन औरतों को। बिल्कुल अमित, और यही इनकी मेहनत का असली पुरस्कार है और जिनकी ये हकदार है। अमित, मैं बहुत थक गई हूँ और कल मॉर्निंग में जल्दी निकलना भी है, अब मैं चलती हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट है माँ।
गुड नाइट अमित।